दोस्तों, एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है सीबीआई को लेकर। दरअसल सीबीआई के हाथ कुछ बड़ा लगा है। आप सबको याद होगा कि 14 जून के दिन कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी और जिनका अर्थ हम लोग आज तक ढूंढ पाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में अभी की जो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है वो है 14 जून को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के बाहर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज खड़ी थी और तफ्तीश के बाद पता चला है कि उस ब्लैक कलर मर्सिडीज के ऊपर जो नंबर प्लेट थी वो पूरी तरह से फर्जी थी। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी ब्लैक मर्सिडीज की है जो 14 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के बाहर खड़ी थी। ये जो नंबर है MH02PA5466, इस नंबर को अगर आप लोग भी ऑनलाइन व्हीकल डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करके इस बारे में अगर कुछ भी पता करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग भी पाएंगे कि ये नंबर पूरी तरह से फेक है, फर्जी है। और इस नंबर से किसी भी मर्सिडीज तो क्या कोई नैनो तक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। अब इसी ब्लैक मर्सिडीज को बेचने की प्लानिंग चल रही थी जिसके दौरान इसका पूरा भांडाफोड़ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्लैक मर्सिडीज को ऑनलाइन वेबसाइट मोटर सिंह के थ्रू बेचा जा रहा था, जिस पर शॉकिंगली, हम कहेंगे वेरी शॉकिंगली, इस कार की कीमत महज 2,83,000 लगाई गई थी। आप खुद सोचिए दोस्तों कि क्या एक मर्सिडीज कभी भी आपको 2-2.5 लाख रुपए में मिल सकती है। इस कार के प्राइस से ही आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। पक्का 100% ये कार 2 नंबर की कार है और कोई है जो इस कार से जितना जल्दी हो सके अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। जहां तक बात है सीबीआई की कि क्या सीबीआई इस गड़बड़ घोटाले को लेकर अवेयर है, क्या सीबीआई को इस पूरे षड्यंत्र के बारे में पता है, तो आपको बता दें दोस्तों कि ढेर सारे लोगों ने सीबीआई को इस कार से रिलेटेड बहुत सारे प्रूफ मेल द्वारा भेज दिए हैं और ढेरों लोगों द्वारा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि द्वारा इस इंफॉर्मेशन को बढ़ चढ़कर शेयर किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों कि ये कार सुशांत सिंह राजपूत के दोषियों तक का डायरेक्ट टिकट हो सकती है। अगर इसको लेकर सीबीआई सही से अपनी पड़ताल करती है तो सुशांत सिंह राजपूत के दोषियों तक पहुंचा जा सकता है। क्या आप भी हमारी बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस मिस्टीरियस कार को लेकर क्या सोचते हैं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।